हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे स्टूडियो में बुद्धि चैप्टर के दूसरे पार्ट के संबंध में। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है और भी एमसीक्यूज के वीडियोस नहीं देखे हैं, थ्योरी के वीडियो नहीं देखे हैं बाल विकास के, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से पिछले वीडियो देख सकते हैं। आज जो है 20 प्रश्नों पर बात होगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। और वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जाएँ, चाहे आप टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या आप सुपर टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है। 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न हमारा, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग, कोहलर, गिलफोर्ड, स्किनर। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड महोदय ने। त्रिआयामी को मान लीजिए तीन आम, गिलफोर्ड मतलब गिल माने मान लीजिए गला, फोर्ड माने फोड़ना, तीन आम गले में फंस गए और गला फोड़ दिया। इस तरीके से आप जो है ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के कितने तत्व थे? त्रिआयामी मतलब तीन निकल रहा है, तो तीन तत्व होंगे, संक्रिया, परिणाम, अनुभाविक तत्व, विषय वस्तु, या ऑप्शन पहला और तीसरा दोनों। तो देखिए, संक्रिया, परिणाम और विषय वस्तु, ये गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत के तीन तत्व थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए 1967 में गिलफोर्ड महोदय ने बुद्धि में टोटल 120 कोष बताए थे, और 1977 में बुद्धि के कोष बताए थे 150। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 1967 में जो है बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में गिलफोर्ड में कितने कोष बताए थे, तो 120, 1977 में बताए थे 150, 1980 में बताए थे 180। देखिए, जब आप बुद्धि चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड कहाँ के निवासी थे? फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया या रोम के? तो गिलफोर्ड कहाँ के निवासी थे? देखिए, ये जो आपका ऑप्शन है चारों सही नहीं है, ये अमेरिका के निवासी थे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। गिलफोर्ड महोदय जो थे ये अमेरिका के निवासी थे, और 1967 में 1967 में जो है इन्होंने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। अगला है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, थार्नडाइक, हैब, बिने। तो जब हम बहु लेने जाते हैं तो बालों को डाई करके जाते हैं, तो इस तरीके से याद करिएगा, डाई करके। देखिए, थार्नडाइक में डाई निकल रहा है, तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक ने दिया है। अगला है, बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रूसो, साइमन, बिने, गाल्टन। तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था गाल्टन महोदय ने 1885 में, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत जो है किसने दिया है? थर्स्टन ने, थार्नडाइक ने, बर्नन ने, हैब ने। तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया है किसने? थर्स्टन ने। देखिए, टन, समूह का वजन किस में होता है? टन में होता है, इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। और समूह कारक सिद्धांत में जो है सात योग्यताओं की बात की है किसने? थर्स्टन ने। कौन कौन सी योग्यताएं हैं बताता हूँ मैं आपको, प्रेक्षण योग्यता, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, तार्किक योग्यता, स्मरण योग्यता, वाक योग्यता और पर्यवेक्षण योग्यता। इन योग्यताओं की बात की है, एग्जाम में इनको पूछा जा सकता है, ठीक है। थर्स्टन महोदय की बुक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ठीक है, और 1938 में जो है थर्स्टन महोदय ने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया था। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कौन सा बुद्धि का सिद्धांत बालू के टीले का सिद्धांत कहलाता है? समूह कारक सिद्धांत, तरल ठोस सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। तो बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है उसको जो है बालू का टीले का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। और बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक ने। बहु जब लेने जाते हैं तो अपने बालों को डाई करके जाते हैं, इस तरीके से आप याद करिएगा। अगला है, पदानुक्रमिक सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया? फिलिप बर्नन, रूसो, थॉमसन या बिने ने? देखिए, इसको दिया है फिलिप बर्नन ने। जो हमारे शर्ट के बटन होते हैं, ठीक है, वो कैसे लगे होते हैं? बर्नन को मान लीजिए बटन और क्रम। तो शर्ट के जो हमारे बटन होते हैं वो कैसे लगे होते हैं? एक क्रम से लगे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। देखिए, पदानुक्रमिक सिद्धांत के अनुसार
ये कहा जाता है कि जो भी बालक होता है या बच्चा होता है वो क्रम से सीखता है। जैसे मान लीजिए पहले कोई भी बच्चा होगा का खा गा घा सीखेगा, फिर इनको मिलाना सीखेगा, जैसे का और ला कल, ठीक है। पहले दो अक्षरों को जोड़ना सीखेगा, फिर जो है और भी अक्षरों को जोड़ना सीखेगा, जैसे का ला और मा कलम, ठीक है। तो बच्चा जो होता है क्रम के अनुसार से सीखता है। अगला है बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने, आरबी कैटल ने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, कोहलबर्ग ने। देखिए बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत जो है आरबी कैटल ने दिया है। ठोस केतली में तरल चाय, ठीक है। देखिए जो तरल आपका फैक्टर है ये जन्मजात होता है, ठीक है, और जो आपका ठोस होता है ये होता है अर्जित। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिस अधिकतम आयु के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है वो कहलाती है टर्मिनल आयु, बेसल आयु, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहलाती है बेसल आयु। जिस अधिकतम आयु के प्रश्नों को बालक हल कर लेता है वह उसकी बेसल आयु होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है लेकिन वो 14 वर्ष के प्रश्नों को हल कर रहा है तो बेसल एज कौन सी होगी उसकी? 14, और ये मानसिक आयु कहलाती है, ठीक है। और जिन अधिकतम आयु के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है वो होती है आपकी टर्मिनल एज। समझ गए होंगे आप लोग। अगला है भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण किसने दिया है? ये दिया था पोर्टियस ने, और वस्तु संयोजन परीक्षण जो था वो दिया था वेस्लर ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। हमें बहुत बुद्धि मिलती है कहाँ? गार्डन में। इस तरीके से याद करिएगा, बहुबुद्धि के सिद्धांत में कौन सी बुद्धि नहीं है? भाषाई बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तो सांदर्भिक जो बुद्धि है ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र के सिद्धांत में आती है, ना कि बहुबुद्धि के सिद्धांत में। और अगर आपने पहला पार्ट देखा होगा तो आप रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के बारे में अच्छे से जान जाएंगे, ठीक है, तो पहला पार्ट जरूर देखिएगा। अगला है, किसान के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है? अस्तित्ववादी, अंतर्वैयक्तिक, प्रकृतिवादी, अंतरावैयक्तिक। तो किसान के पास जो है प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। देखिए वो नेचर से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, इस वजह से। अगला है, दूसरों की भावनाओं को जानना समझना किस बुद्धि में आता है? बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार भाषिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, स्थानिक बुद्धि। तो दूसरों की भावनाओं को जानना और समझना ये होता है आपका अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको जैसे हिंदी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो याद रखिएगा, इंटरपर्सनल जो होता है वो अंतर्वैयक्तिक होता है, और इसमें जो व्यक्ति होता है जिसके पास अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है वो दूसरों की भावनाओं को बड़े अच्छे से समझ जाता है। अंतरावैयक्तिक होता है इंट्रोपर्सनल, इसमें जो भी व्यक्ति होता है वो स्वयं के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता है। अंतर्वैयक्तिक में जैसे अध्यापक आता है, राजनेता आता है, अंतरावैयक्तिक में योगी और संत आते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला है, आत्मबोधन से जुड़ी हुई बुद्धि है अंतरावैयक्तिक, भाषाई बुद्धि, प्रकृतिवादी, स्थानिक बुद्धि। अंतरावैयक्तिक यानी इंट्रोपर्सनल, इंट्रोपर्सनल जो होता है वो आत्मबोधन यानी खुद को जानता है, तो वो आत्मबोधन जो है अंतरावैयक्तिक बुद्धि से जुड़ा हुआ है। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान जो है गलत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं और वो कौन सी बुद्धि से जुड़े हुए हैं आपको बताना है। संत जो है इंटरपर्सनल होता है यानी अंतर्वैयक्तिक होता है, अध्यापक जो है अंतरावैयक्तिक होता है, लेखक भाषाई बुद्धि वाला होता है, मूर्तिकार स्थानिक बुद्धि वाला होता है। तो कौन सा जो है इसमें गलत होगा? देखिए आपका ऑप्शन जो है थर्ड, ए और बी। देखिए संत जो होता है वो इंट्रोपर्सनल होता है और अध्यापक जो होता है वो इंटरपर्सनल होता है। इंटरपर्सनल मतलब अंतर्वैयक्तिक यानी दूसरों को समझना। जैसे कोई भी बच्चा अगर किसी अध्यापक के सामने आता है, अगर वो डर रहा होता है, अगर वो खुश होता है तो वो जान जाता है कि इसे क्या प्रॉब्लम है। संत जो होता है वो इंट्रोपर्सनल होता है यानी अंतरावैयक्तिक होता है, वो स्वयं के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से जानता है। लेखक जो है भाषाई बुद्धि वाला होता है, ठीक है, क्योंकि लेखक को जो है भाषा पर काफ़ी अच्छा कमांड होता है। मूर्तिकार या चित्रकार की बात करें तो स्थानिक बुद्धि होती है, क्योंकि अगर जिसके पास स्थानिक बुद्धि होती है अगर वो एक बार किसी चीज़ को अच्छे से देख लेता है तो उसके दिमाग में वो बस जाती है, और उससे कहा जाता है आप इसको दोबारा बनाइए तो बिल्कुल हूबहू उसको बना देता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को भी।
अगला है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, तो मैं आपको बता दूं बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीने ने दिया है। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण जो है 1905 में अल्फ्रेड बीने ने किया था, ठीक है, फ्रांस में अपने सहयोगी साइमन के साथ। और जो प्रथम बुद्धि परीक्षण था वो 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए था, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया था, स्पीयरमैन लंदन ब्रिटेन के निवासी थे, ठीक है। इन्होंने बताया कि बुद्धि के दो फैक्टर होते हैं, एक होता है जी फैक्टर और एक होता है यस फैक्टर। जी फैक्टर जो होता है वो जन्मजात होता है, जबकि यस फैक्टर होता है वो अर्जित किया जाता है। कुछ समय के बाद जो है इन्होंने द्विकारक सिद्धांत में एक और तत्व जोड़ दिया, एक तो जी फैक्टर बताया, दूसरा एस फैक्टर बताया, उसके बाद इन्होंने बताया जी एस फैक्टर होता है, जिसकी वजह से इनका सिद्धांत त्रितत्व का सिद्धांत भी कहलाता है, ठीक है। तो त्रिकारक का जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया है, द्विकारक और त्रिकारक का जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है मिलान सही है, कावा का कावा खाका जो बुद्धि का सिद्धांत है थॉमसन ने दिया है, प्रतिदर्श का सिद्धांत पियाजे ने दिया है, लेवल 1 व लेवल 2 का सिद्धांत जॉनसन ने दिया है। इंजीनियर जो है उसके पास अमूर्त बुद्धि होती है। देखिए आपको बता दूं जो आपका ऑप्शन 3rd है, लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत ये जॉनसन ने दिया है, ठीक है। लेवल 1 जन्मजात, लेवल 2 अर्जित। कावा खाका सिद्धांत जो है ये हैब ने नहीं दिया है, हैब ने दिया है, देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, थॉमसन ने नहीं दिया, हैब ने दिया है। कावा खा है। प्रतिदर्श का जो सिद्धांत है ये थॉमसन ने दिया है, ठीक है। और इंजीनियर के पास जो है अमूर्त नहीं मूर्त बुद्धि होती है, क्योंकि जो है इंजीनियर जो होता है वो वस्तुओं से जुड़ा हुआ सोचता है। पहला अगर आप पार्ट देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। किसी बालक की मानसिक आयु यानी मेंटल एज 18 है, क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक एज 20 है, IQ बताइए उसका क्या होगा। तो थोड़ा सा सोचिए और फटाफट बताइए इसका क्या होगा IQ। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। देखिए IQ बराबर क्या होता है, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, ये सूत्र लगेगा। MA कितनी है 18, CA कितनी है 20 इंटू 100, 20 पंचे 100, 18 पंचे 90। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थ्योरी का पोर्शन देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।